अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जिशान है और मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने डिजायर्ड कोर्स को, यानी जो आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, उसको आपने किस तरीके से सर्च करना है। तो गाइस इस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट का सवाल होता है कि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटीज सर्च करनी है, तो बता दें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स है। तो इंडिविजुअली एक एक यूनिवर्सिटी को सर्च करना और उसमें अपना कोर्स देखना तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस हवाले से एक वीडियो बना दूं और आपको एक आसान सा तरीका बता दूं जिसके थ्रू आप ये देख सकें कि आपका कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने यूनिवर्स इटली टाइप करना है। यूनिवर्स इटली टाइप करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने सर्च में आ जाएगा। आपने यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे आना है। यहाँ से वेबसाइट पे आने के बाद आप देखेंगे, अगर ये इटालियन में है तो आपने इसको यहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वैसे मोस्टली ये इंग्लिश के अंदर ही होती है तो इसको ट्रांसलेट करने की नीड नहीं होगी। अभी आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाना है। लेफ़्ट साइड पे ये पूछ रहा है वेयर टू स्टडी, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा कितनी यहाँ पे आपकी फ़ीस वगैरह हो सकती है। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं वेयर टू स्टडी, लेकिन आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ भी आप एक एक करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट करेंगे। जिस रीजन को सेलेक्ट करेंगे उस रीजन की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, तो ये भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है एक एक करके सर्च करना। इसलिए आपने सिंपली यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है कोर्सेज इन इंग्लिश, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके सामने एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाएगा, इसके अंदर इटली के अंदर जो जो इंग्लिश कोर्सेज हैं वो सर्च करेगा। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने जो जो यूनिवर्सिटी इंग्लिश कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है तमाम यूनिवर्सिटीज़ और उसके कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ बारी आल्दो मोरो है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज इंग्लिश के अंदर हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इन्होंने लोगोज दिए हुए हैं कि इनकी क्या मीनिंग होती है। जैसे कि ये इसका मतलब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांग रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेवल डिग्री। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो ताला बना हुआ है जहाँ पे लॉक खुला हुआ होता है, मतलब यहाँ पे इस कोर्स में एक्सेस फ्री होता है, यानी इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। और जो लॉक होता है तो इस कोर्स का जो है वो कोई टेस्ट वगैरह होता है। तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि ये लॉक बना हुआ है या लॉक खुला हुआ है जब भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोर्स के ऊपर आते हैं। पहला कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बारी का हम देखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका ये कोर्स है। तो आपने देख लिया यहाँ पे ये लॉक खुला हुआ है, मतलब इस कोर्स में एक्सेस करने की कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। दो साल यानी मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, एयर ऑफ ड्यूरेशन है ये। और यहाँ पे इंग्लिश का लोगो बना हुआ है, यानी ये कोर्स इंग्लिश के अंदर है। इसी तरीके से यहाँ पे 6 साल है क्योंकि मेडिकल का कोर्स है, तो ये काफ़ी लंबा होता है। और आप इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे तो 3 साल के कोर्स भी आ रहे हैं। तो जिसमें 3 साल लिखा हुआ है वो बैचलर के होते हैं, जिसमें 2 साल लिखा हुआ है वो मास्टर्स के होते हैं। तो जैसे कि अब हमने कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में करना चाह रहा है तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, ठीक है, 2 साल का कोर्स है, इंग्लिश के अंदर है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। अब इस कोर्स की हम यहाँ पे कोर्स वेबसाइट पे जाएंगे मज़ीद डिटेल्स के लिए। वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे मज़ीद इसकी डिटेल्स वगैरह आएंगी, कोर्स का जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे बताएंगे ये लोग, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए हुए, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनरोल होना है इस कोर्स में। उसके अलावा यहाँ ऊपर आके हाउ टू इनरोल में इसमें भी चेक कर सकते हैं। तो आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ इसकी रिक्वायरमेंट्स दिखा रही है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। जो इटालियन बैचलर डिग्री वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है। तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनको रिक्वायर्ड होंगे, क्या इनके क्राइटेरिया, सारी डिटेल यहाँ पे बता देगा कि सीवी की इवेलुएशन होगी और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है कि एरास्मस वालों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा मज़ीद डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं, डेडलाइन की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं, और उसके अलावा स्कॉलरशिप की क्या इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हर कोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो का देख लिया, अब किसी और यूनिवर्सिटी का चेक करते हैं। जैसे कि अगर किसी को बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में देना है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, मतलब इनका टेस्ट होगा और 3 साल है, मतलब बैचलर डिग्री है। तो बैचलर का भी एक चेक कर लेते हैं। आपने इस पर क्लिक किया तो ये इनकी वेबसाइट पर जाएगा, ये इनकी वेबसाइट आ गई, ठीक है। ये प्रोग्राम टाइप यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉरिया यानी बैचलर्स, ठीक है, लॉरिया मैजिस्ट्राले जिस पे लिखा हो उसका मतलब मास्टर्स है, लॉरिया और फर्स्ट साइकिल डिग्री जो होती है वो बैचलर डिग्री होती है। 180 ECTS है, लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। कोर्स का नाम लिखा हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट है ये रहा, टीचिंग का होंगे ब्लॉग नाम है, टाइप ऑफ एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है, जो लॉक बना हुआ था ना उसका बता रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस मतलब यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो लॉक बना हुआ था, जिसमें लॉक खुला होगा उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस तरीके से मज़ीद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्टर कौन है और क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मज़ीद आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका जो भी ओवरव्यू वगैरह है इसका मज़ीद यहाँ पे ओवरव्यू है, और किस तरीके से इनरोल होना है यहाँ पे टिक करेंगे, इनरोल पे टिक करेंगे तो वो इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है एडमिशन की वो यहाँ पे बता देगा कि आपका जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसकी कॉल्स कब आती हैं, इंग्लिश वर्जन में ये दिया हुआ है, ये बता रहा है फर्स्ट इनटेक कब है इनका, 2021-22, ये ओल्ड है क्योंकि इनके एडमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब 2022 के स्टार्ट होंगे तो इनकी डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने बैचलर्स का भी चेक करना है। अब दो यूनिवर्सिटी का हमने देख लिया, एक मास्टर का देखा था बेरगामो में और एक बोलोग्ना में बैचलर्स का देखा था। अब किसी को अगर डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी का नाम याद है तो वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, समरी पे आएगा। समरी पे आने के बाद जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि सपियंदा यूनिवर्सिटी का देखूँ, तो यहाँ पर आके मैं यहाँ पर देख सकता हूँ सपियंदा कहाँ पर आ रही है। जैसे कि ये आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ला सपियंजा, फिर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ये सपियंजा के ऊपर आ जाएगा। सपियंजा में कौन कौन से कोर्स हैं इंग्लिश के अंदर, वो सारे कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मुझे इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है, मैंने डिटेल चेक कर ली, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, 2 साल का मास्टर कोर्स है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। कोर्स वेबसाइट पर क्लिक करूँगा और ये इनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ सामने आ जाएगी कि इनका क्या भी क्या एलिजिबिलिटी कोर्स कोड वगैरह है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाएंगी। तो इसके बाद मैं यहाँ से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ इनकी वेबसाइट पर, ठीक है। अगर मैं एडमिशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से साइनअप वगैरह पर जाके किस तरीके से इस कोर्स में इनरोल होना, सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी लॉगिन का जो भी दिया हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना जो इंग्लिश कोर्स, अगर जो इंग्लिश कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ से इस तरीके से अपने कोर्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप सिंपली यूनिवर्सिटी एक एक करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स होगा, ठीक है, नीचे कर करके। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम याद है तो आप समरी पे आके इसको स्क्रॉल करके यहाँ से जो भी यूनिवर्सिटी है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उसके सारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो गाइज ये था आसान सा प्रोसीजर अपने डिजायर्ड कोर्स और यूनिवर्सिटी को सर्च करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी को कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।